और अब अहम खबर की बात करेंगे। देश के दो बड़े संत कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज आमने सामने हैं, या यूं कहें कि जंग छिड़ी हुई है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी इतने नाराज हैं कि उन्होंने चुनौती दे डाली है। राधा रानी पर कैसे छिड़ा है रण, देखिए। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं वो लोग, राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भेड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज SSP साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं, प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को भिगाकर भागवत चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तो नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का ये गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरताने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं किस बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को क्यों जान जाएगा? प्यार ओढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुखादे नाम तु यद ध्यानगम। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखाद के भी ध्यान में नहीं आने वाली है वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि रही, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। हे चार श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी, कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने यह भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख, पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो
जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं। आप बोलो, जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत भी नाराज और कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम सब लोग आज SSP साहब के यहाँ FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साक्षात करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा SP देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज नहीं है, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और अब राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजनांदगांव में ED ने दबिश दी है, रेड डाली है। राइस मिल व्यापारी के घर ये छापा पड़ा है। अलग अलग गाड़ियों में टीम पहुंची है, सुबह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बसंतपुर थाना इलाके के अनुपम नगर में छापा, अलग अलग गाड़ियों में टीम पहुंची है। एक राइस मिल व्यापारी है, उसके घर ED की टीम पहुंची है। अलग अलग गाड़ियों में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। ED का छापा राजनांदगांव में। राजनांदगांव का पूरा मामला, बसंतपुर, राजनांदगांव के बसंतपुर थाना इलाके में अनुपम नगर में पहुंची है ED की टीम। राइस मिल से जुड़े एक व्यापारी, उसके घर ये टीम पहुंची हुई है अलग अलग गाड़ियों में। और पूछताछ की जा रही है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जय ललित, मैं आपको बता दूं कि अनुपम नगर करके एक शहर में एक कॉलोनी है, वहां ED का छापा पड़ा हुआ है और सुबह से ED की टीम यहां आरंभ की है और लगातार फाइलों को खंगाला जा रहा है और सुबह से ही ये जांच जारी है। वहीं महत्वपूर्ण चीज इसमें ये बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व डोंगरगढ़ में ED का छापा पड़ा था, चावल घोटाले से संबंधित पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें डोंगरगढ़ में कुछ दिन पूर्व छापा पड़ा था जो राइस मिल संघ के अध्यक्ष हैं मनोज अग्रवाल, उनके यहाँ। तो शायद इसके तार उसी से जुड़े हुए हैं, उसी चीज को ED खंगाल रही है, उन तथ्यों को खंगाल रही है। इसलिए ED की टीम आज फिर यहाँ पहुंची है और सुबह से ED की टीम पहुंची है और लगातार फाइलों को खंगाला जा रहा है। ED की टीम जांच कर रही है और ये अलग अलग गाड़ियों में ED की टीम यहाँ पहुंची हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।